हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो थंबनेल से तो आपको पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो है रेसिपी पर, चटनी की। सबसे पहले जी मैं आपको सब दिखा देती हूँ कि हमें इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए। टमाटर चाहिए, एक प्याज चाहिए, 3 बड़े लीमू चाहिए, धनिया चाहिए, 4 हरी मिर्चें, एक नमक का चम्मच चाहिए छोटा। और अब जी ये सब मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ। इन सबको आपने इस तरह से चॉप कर लेना है, काट लेना है, ठीक है। और ये मैंने एक प्याज ली थी, उसमें से हाफ का ये पार्ट निकाल दिया, ठीक है। तो अब इन सबको हम ब्लेंड करेंगे। इसमें से एक लीमू हम उसमें डाल लेंगे चटनी में, छिलके के साथ। अब ये सब आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें, और प्लस इसमें नमक भी शामिल है, ठीक है। ये नमक हम इसमें लेंगे 1 छोटा चम्मच, भर के लेंगे 1 छोटा चम्मच, ठीक है। ये सब हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए। अब मैं इसको डालूँगी एक जार में, क्योंकि मेरे पास चॉपर नहीं है, तो ये मैं इस तरह की जो मिक्सी होती है इसमें डाल दूँगी। ये प्याज को चॉप किया हुआ ये मैं इसमें डाल रही हूँ। लीमू, पूरा 1 लीमू हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। इसका जूस, बाकी 2 का जूस निकाल लेंगे, पूरा 1 लीमू इसी तरह डाल देंगे, जूस इसमें निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको सब कुछ इसमें डाल के दिखाती हूँ। वो मैंने डाल दिया धनिया, हरी मिर्चें, ये पूरा 1 लीमू डाल दिया, और प्याज डाल दी। अब जी मैं लीमू का जूस निकाल के इसमें डाल दिया। धनिया मैंने थोड़ा सा इसलिए बचा लिया ताकि, क्योंकि इसमें पूरा एक उसमें नहीं आने वाला, मिक्सी में एक बार में नहीं होगा, तो हम थोड़ा थोड़ा धनिया डाल के इसको मिक्सी करते जाएंगे, चॉप करते जाएंगे, ठीक है। अब ये इस तरह से इस वाली मशीन में मैं चॉप करूँगी। ये मैंने, ये देखें, हल्का चॉप कर लिया, ठीक है। अब मैंने और धनिया इसमें ऐड किया जो बचा हुआ था। अब ये मैं सारा इसमें ऐड कर रही हूँ। ये हो गया इसमें ऐड। मैंने इसमें बिल्कुल 2 घूंट के बराबर पानी डाला था, और उसके बाद ये सारा इसको डाल के, तो अब मैं इसको मिक्सी मिक्सी कर रही हूँ। बिल्कुल बारीक नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा रखना, ताकि चटनी का बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आए जैसे कोई सालन का आता है, आई थिंक सो। नो नो, मैं मजाक कर रही हूँ। ये देखें जी, चटनी बिल्कुल तैयार है। मैंने ज़्यादा बारीक नहीं करा इस चटनी को, और ये रेसिपी मैंने ट्राई की है मरियम स्टर्का के चैनल से, तो मुझे तो ये चटनी बहुत पसंद आई। ये देखें, मैंने ज़्यादा बारीक नहीं किया, मोटा मोटा ही रखा है, ताकि चटनी का टेस्ट वैसे ही आए। तो क्योंकि मैं किसी की रेसिपी ट्राई कर रही हूँ, इसलिए मैंने बिल्कुल वैसे ही रिक्रिएट करनी थी जैसे उनकी रेसिपी थी। सो मुझे तो ये रेसिपी बहुत पसंद आई। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे कि कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी। और ये देखें जी, इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आएँ तो मेरी वीडियोस पे लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करना नहीं भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।